नमस्कार, विनायक मोरे, विनायक नंद कुमार मोरे, एक्सपर्ट कंप्यूटर मधन बोलते हैं, बोरिवली। सर, हिंदी में बात करता, पहले मजे दोन वीडियो जो है ते मराठी मध्ये होते, मैं आता हिंदी मध्ये जरा वीडियो काढतो। एक्सपर्ट कंप्यूटर विनायक बोलते हैं, विनायक मोरे, बोरिवली वरन। बरेच आमचे जे कस्टमर्स आहेत, स्टूडेंट्स आहेत, ते बोलतात सर तुम्ही व्हिडिओ का नाही बनत, व्हिडिओ का नाही बनत। बरेचसे यूट्यूबवरती व्हिडिओज वगैरे असतात, तर म्हणून मी त्यांच्या थोडा एक त्यांच्या आग्रहा खाती उनके स्पेशल डिमांड के लिए मैंने अभी एक व्हिडिओ बनाने का सोचा हूँ। कि मेरे पास मॅकबुक है AR1466, मॅकबुक AR1466, ये मॉडल है 820-000165। तो ये डेट के लिए मेरे पास अभी आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा। वीडियो मैं ज़्यादातर नहीं बनाता हूँ, ये मेरा बहुत कम वीडियो का एक्सपीरियंस है, मगर अभी आज मैं डिमांड्स के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। और ये जो एक्सपर्ट कंप्यूटर हमारा फर्म है, ये तकरीबन हमारे 16 साल से हम लोग रिपेयर्स में ही है, और मगर ये इतना काम में हम लोग बिजी रहते कि वीडियो बनाने में टाइम नहीं रहता है हमारे पास। ऐसा तो बनाने जाए तो दिन के 10-12 वीडियो बन जाए। तो अभी आज मैं ये थोड़ा सा मैकबुक एयर 1466 जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। ये जो मैकबुक है हमारे पास आया हुआ, ये टोटल डेड कंडीशन में है, टोटल डेड है। कस्टमर का इसका कंप्लेंट है कि ये डेड नहीं आ रहा है, इवन उसके जो एडाप्टर है उसके अंदर पावर लाइट भी नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग अभी देखेंगे कि ये क्या है पोजीशन इसका। और कस्टमर का ऐसा भी कहना है कि उसने और एक कहीं पे दिया था, वहाँ पे वो रिपेयर नहीं हुआ है, वहाँ पे कहा गया है कि इसको इसका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, और मदरबोर्ड तक नियर अबाउट 25,000 के आसपास उसका कोटेशन उनको बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे खोल के इसको क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद में उसके ऊपर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारा डीसी सप्लाई है वो अपना 4.8 वोल्ट के ऊपर हम लोग ने 14.8 वोल्ट के ऊपर हम लोग ने ये किया है। इसका एम्पीराइजेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे, क्योंकि लाइट आना बहुत ज़रूरी है। जो लाइट है मैकबुक में एडाप्टर के अंदर जो लाइट आती है, वो लाइट आपको बताती है कि मैकबुक का बेसिक LDO जो है वो बन रहा है, वो रेडी हो रहा है, जनरेट हो रहा है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वन वायर सर्किट के बारे में भी थोड़ा सा मैं सविस्तर आपको बताऊंगा। सविस्तर ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बनाना थोड़ा सा आपको लेंदी जाएगा अगर मैं सब करते बैठूंगा तो। ये थोड़ा सा हम लोग सिर्फ इसका ये किस तरीके के हिसाब से हम लोग इसको बना रहे हैं कि ये हम लोग इसमें क्या है क्या नहीं देखेंगे। अब सबसे पहला तो इसको लगा दिया है, ये चार्जर लगाया है, चार्जर हम यहाँ पर लगाएंगे। चार्जर तो इसका नहीं है, तो चार्जर का जो डीसी कनेक्टर है, देखो इसमें एम्पियर के यहाँ पे लग जाए, एम्पियर जो है कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है, 0 एम्पियर के ऊपर है। और डीसी लाइट में जो है डीसी सप्लाई जो है इसके अंदर लाइट भी इसका नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा हम लोग खोल के देखेंगे इसमें क्या इशू है क्या नहीं है, और कहीं और दिया था तो कोई कंपोनेंट्स वगैरह मिसिंग है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कहीं और दिया जाता है तो शायद फ्रेशर्स रहते हैं तो कंपोनेंट मिसिंग कर देते हैं, निकाल देते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो ICs वगैरह हम लोग सब देखेंगे बोर्ड अच्छी तरह से, और उसके बाद में काम करेंगे। अभी ये वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर मैं ये कंटिन्यू रखूँगा तो, मुझे बोर्ड इसका निकालना पड़ेगा, उसके लिए मैं पॉज करूँगा, प्ले करूँगा, उसके बाद में चालू करूँगा। अभी हमने बोर्ड ये जो है वो कैबिनेट से बाहर निकाल चुके हैं हम लोग, और ये पाइनएप्पलर में से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैकबुक रिपेयर करने के लिए कभी भी आप याद रखो एंड यूज़र है तो कहीं पे भी आपका मैकबुक रिपेयर को दे रहे हैं तो वहाँ पे पाइनएप्पलर रिपेयर को है कि स्पेशली देख लेना। इसके बगैर मैकबुक के छोटे छोटे टीनी कंपोनेंट्स होते हैं, वो निकालना सोल्डरिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो चीज़ आप देख लेना कि वहाँ पर प्रॉपर है सब सेटअप है क्या। इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स है अपने वो 90x तक हम लोग बड़ा देख सकते हैं, और वो वहाँ पर उसका स्क्रीन भी है, मैं बाद में आपको वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बोर्ड निकालने के बाद पूरी तरह ऑब्जर्वेशन किया गया, उस ऑब्जर्वेशन में हमको मिला कि 3 वोल्ट का जो LDO था, यहाँ पे 3 वोल्ट का एक LDO आता है, जहाँ 3 वोल्ट पहला बनता है, जिसको PP3B 3V3_GT hot बोला जाता है। ये जो होता है 3 वोल्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेन अपना वन वायर सर्किट होता है उसमें इनपुट यहीं से आता है। तो यहाँ के कंपोनेंट्स ही मिसिंग है, मैंने जब देखा कि यहाँ के कंपोनेंट्स ही कुछ मिसिंग है, जिसमें कुछ रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर्स, 1-2 कैपेसिटर्स और आउटपुट पे 2 कैपेसिटर्स, ऐसे कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है। वो कंपोनेंट मिसिंग क्या क्या है मैं आपको वहाँ पे दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे ये करूँ।
यहाँ के आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जो है वो मिसिंग है पूरे टोटल। 3 रजिस्टर्स, 1 डायोड्स और 2 कैपेसिटर, आगे देखोगे तो 2 कैपेसिटर्स भी यहाँ के मिसिंग हैं। ये मैं आपको मेरे मोबाइल में अच्छी तरह से दिखाऊंगा। टीवी को हमारे ये कर लो अच्छी तरह से, टीवी को पूरी सेट कर लो इनकोने। टीवी को अच्छी तरह से उसमें, ठीक है ना, ठीक है, टीवी हिलना नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो क्लियर तुम्हारा देखो हो रहा है क्या, नहीं तो वहाँ पे लेके जाके पकड़ के देखो। आसी में जाओ चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखोगे आप तो मैंने यहाँ पे बोर्ड का फोटो निकाला हुआ है, ये बोर्ड में कंपोनेंट्स कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग कंपोनेंट क्या क्या है हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ये जो है ये 3 वोल्ट एलडीओ का पूरा सेक्शन है, ठीक है, 3 वोल्ट एलडीओ का ये सेक्शन है। यहाँ पे ऊपर से हमको इनपुट आ रहा है 19 वोल्ट का, इसके लिए आप देख सकते हो। यहाँ से इनपुट आएगा अपना, ये 4.7 के ओम का रजिस्टर रहेगा, ये 100 का रजिस्टर रहेगा, ये यहाँ से इनपुट आएगा आपके डायोड थ्रू, ये इनपुट इस आईसी में आने वाला है। 14.8 वोल्ट का इनपुट आने के बाद ये आईसी से आउटपुट निकलेगा 3.3 वोल्ट का, 3.42 वोल्ट का, और 3.42 आउटपुट निकलने के बाद ये कॉइल से आपको जो PP3V3_G3 हॉट अपना यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। तो यहाँ के देखेंगे तो कुछ कंपोनेंट जो है वहाँ पे कंपोनेंट्स कुछ मिसिंग है, आप देखोगे तो कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है, किसी ने ट्राई किया है मगर उनको वो मिला नहीं, क्योंकि क्या है ये सभी चीज़ें हैं, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स नॉर्मल आंखों से सोल्डरिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए ट्राइनोकुलर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी ये कंपोनेंट जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि आपको रिपेयर्स आपको करना है तो आपको बैड मदरबोर्ड्स आपको स्टॉक में रखना बहुत ज़रूरी है, बैड मदरबोर्ड्स के ऊपर ही आपका बहुत सारा काम होने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको इजीली अवेलेबल कहीं से मिलने वाले नहीं हैं। तो ये बैड मदरबोर्ड जो है इसके अंदर से मैं आपको वो जो कंपोनेंट्स है वो आपको दिखा दूंगा कहाँ पर क्या क्या था। वहाँ पे देखोगे आप तो 3 वोल्ट एलडीओ का जो लाइन है, ठीक है, तो ये यहाँ से इनपुट आने वाला है, ये ट्रांजिस्टर से, ये दो जो रजिस्टर है वो रजिस्टर उनको रिस्पॉन्सिबल है इनपुट आने के लिए, ये रजिस्टर से आगे वो पास होगा। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा सकता हूँ, स्कीमेटिक पे भी देखेंगे आप प्रॉपरली। तो ये एडप्टर है, एडप्टर से इनपुट होगा डीसी इन, पीपीडीसी इन G3 हॉट, यहाँ से इनपुट होने के बाद ये आएगा ये डायोड से, ये डायोड से डायोड आगे निकलेगा, ये आगे निकलेगा, ये जो डायोड दिख रहा है आपको ये
थोड़ा सा नीचे फिंगर पे, जो थ्री लेग का डायोड है नीतीश उदासी देखिए, यहाँ से दो इनपुट से जाएगा, एक यहाँ बैटरी के लिए इनपुट रिस्पॉन्सिबल रहेगा और एक डीसी वोल्ट से डीसी एडाप्टर से इनपुट रहेगा। यहाँ से ये पीसपीस डी3 डीसी इन अंदर जाएगा, ये आईसी के अंदर, ये है LT3470A जो आईसी है, यही आपकी PP3.42 वोल्ट बनाएगी, जो 3 वोल्ट LDO मेन वोल्ट है अपना मैकबुक एयर 1466 में, बहुत सारे इसमें यही ऑलमोस्ट यूज़ होता है। और यहाँ से अपना आउट है PP3.3V42 यहाँ से आउट है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये डायोड जो है, यहाँ से इनपुट है आपके दोनों वोल्ट, यहाँ पे डायोड से इनपुट हो इन होने वाले हैं, और यहाँ से आपका जो वोल्टेज है ये अपना 3 वोल्ट को रिस्पॉन्सिबल आईसी है। यहाँ पे देखो ये है, ये आईसी आपकी 3 वोल्ट का पूरा सेक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये वोल्ट, ये आईसी अपने 3 वोल्ट की रिस्पॉन्सिबल है। और आपने देखा कि हमारे वो जुने बोर्ड में जो बोर्ड था हमारा रिपेयर को आया हुआ, उसमें ये 1, 2, 3, 4 ये 4 कंपोनेंट्स, और इवन यहाँ का एक 2 कैपेसिटर्स, यहाँ के 2 कैपेसिटर्स, ये 6 कंपोनेंट्स हमारे मिसिंग थे। आप वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ये सब कंपोनेंट्स, 1, 2 कैपेसिटर है, यहाँ पे 3 रजिस्टर और 1 कैपेसिटर यहाँ पे है, ये पूरा मिसिंग है इसके अंदर। ये हम लोग वहाँ पे जो मिसिंग कंपोनेंट्स है वो हमारे बैड मदरबोर्ड जो है वो बैड मदरबोर्ड में इसमें डालेंगे। अभी मिसिंग कंपोनेंट क्या है ये हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। वहाँ पे मिसिंग कंपोनेंट जो है यहाँ पे, वो शटडाउन जो है आपकी, एक नंबर पिन शटडाउन है, उसके 2 रजिस्टर, उसके ये 2 रजिस्टर जो है, ये 2 रजिस्टर 49.9K का है, और यहाँ पे एक दूसरा रजिस्टर जो है ये 0 ओम्स का रजिस्टर है। ये जो है एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है, ये 2 रजिस्टर, इसका एक कैपेसिटर शटडाउन पिन, ये आपका मिसिंग है यहाँ पे। और उसके बाद में आउटपुट जो कॉइल बन रही है, ये आउटपुट के कॉइल के बाद में 2 कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर इसमें मिसिंग है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग अभी बैड मदरबोर्ड में से, ये सभी मिसिंग चीज़ें जो है वो बैड मदरबोर्ड में से हम लोग इसमें डालेंगे। उसके अलावा ज़्यादा छेड़छाड़ इस बोर्ड में नहीं की है, मैंने देखा है सब बोर्ड में, तो उसके अलावा ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग ये बैड मदरबोर्ड में से, स्क्रैप बोर्ड में से हम लोग इसमें डालेंगे। उसके बाद में देखेंगे हमारा बोर्ड ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग बाद में वो सब सामान डालने के बाद आते हैं आपके पास। मेरे पास तो इसके अंदर अभी हमने रजिस्टर्स और कैपेसिटर सब डाल दिए हैं जो कंपोनेंट मिसिंग था। उसकी सोल्डरिंग वहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह उसके 5 वहाँ पे 3 4 कंपोनेंट यहाँ के मिसिंग थे और 2 कंपोनेंट यहाँ के मिसिंग थे, वो सब कंपोनेंट्स हमने डाले हैं। अभी हमको इसको इसे हमें अभी ऑन करके देखेंगे कि ऑन होता है कि नहीं, और उसके बाद में आगे का हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो मैंने बताया था आपको कि 3 वोल्ट इम्पोर्टेंट है 1 वायर सर्किट के लिए, 1 वायर सर्किट जो होता है इसके बोर्ड में नहीं है, इसके जो एक्सटेंशन है बोर्ड है इसके अंदर इसका 1 वायर सर्किट होता है। तो उसके लिए हम लोग अभी इसको चेक करके देखेंगे कि ये अब हो रहा है क्या। अभी हमने कंपोनेंट डालने के बाद इसे हमें चेक करना है कि ये वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। ये इसको 4.8 वोल्ट के ऊपर सेट किया है, अगर इसमें 3.3V42 वोल्ट का रेल बनने के बाद, LDO बनने के बाद, फिर वो रिस्पॉन्सिबल होता है 1 वायर सर्किट के लिए। फिर SMC जो है इसके अंदर की, SMC आपके चार्जर के साथ कनेक्ट होगी और चार्जर के साथ बात होगी, और उसके बाद में वो 3 वोल्ट के थ्रू रिसेट L सिग्नल जो है, SMC रिसेट L सिग्नल जो है वो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद में 4.8 वोल्ट का रेल जो है, मेन 4.8 वोल्ट का रेल वो अप होगा। वो अप होने के बाद फिर 5 वोल्ट 3 वोल्ट
और 5 वोल्ट S4 और 5 वोल्ट S5 और 3 वोल्ट आपके एक IC थ्रू बनेगा। वो एग्जैक्ट ICs के नंबर्स वगैरह क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको ऑन हो रहा है क्या ये हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली देखो जैसे लगाया यहाँ पे एम्पियर्स भी कुछ ले लिए हैं और यहाँ पे लाइट देखोगे आप तो लाइट भी आपकी यहाँ पे ग्लो हो चुकी है। ठीक है तो ये अभी हम लोग अभी इसको कैबिनेट में डाल के देखेंगे कि डिस्प्ले आ रहा है क्या, कि अदरवाइज़ क्या कभी कभी पावर ऑन होगा डिस्प्ले नहीं आएगा तो भी इशू हो सकता है। तो इसको कैबिनेट में हम लोग असेंबल करके देखेंगे अभी डिस्प्ले आता है क्या। ठीक है तो उसके लिए तब तक पॉज करेंगे, थोड़े से वोल्टेज बेसिक हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये 3 वोल्ट जो है अभी हमने जिसमें काम किया है वो 3 वोल्ट LDO है। ये 3 वोल्ट 3.42 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। ये 8.4 वोल्ट की रेड है, ये मेन रेल है अपनी जो 8.6 वोल्ट की है, 8.6 वोल्ट आ रहा है इसका। ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ के इस साइड भी आपको 8.46 दिख रहा है और इसके इस साइड भी 4.6 दिख रहा है। मतलब बेसिक वोल्टेज इनपुट जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ये 5 है 3 है और ये 1.05 CPU का है। तो ये बेसिक वोल्टेज जो है SMC रिसेट यहाँ पे है। तो अभी 8.4 वोल्ट आया तो SMC रिसेट आ ही रही, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो रिसेट का भी सिग्नल है यहाँ पे अवेलेबल। तो अभी इसको फिट करके ही डिस्प्ले देखना है हमें। ठीक है तो फिट करेंगे अभी और इसको देखेंगे अभी। हम लोग हमने कैबिनेट में बोर्ड असेंबल किया है, हम लोग लगा के देखेंगे इसको। लाइट आई है, फैन स्पिन हुआ है, डिस्प्ले आता है क्या देखेंगे। डिस्प्ले भी आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट अभी लैपटॉप रेडी हो चुका है अपना मैकबुक। इसके बारे में अभी थोड़ा बहुत और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। 1466 जो हमने अभी लैपटॉप रिपेयर किया जिसमें डिस्प्ले आया उसके बारे में थोड़ा सविस्तर मैंने कौन से कॉइल्स में क्या क्या कौन सी वोल्टेजेस होती है डिस्प्ले फुल डिस्प्ले आने के लिए उसके बारे में थोड़ा कॉइल्स के ऊपर मैंने वोल्टेज लिख के आपको यहाँ पर रखा हुआ है। देखो आप अभी हम लोगों ने जो काम किया था पहले वो जो काम था यहाँ पे था, यहाँ पे 3.3 वोल्ट LDO आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है वो 3.3 वोल्ट LDO बनेगा जो PP3V3 3V42 3.42 वोल्ट जो है जो आप यहाँ पे बनेगा। उसके बाद में 8.4 वोल्ट जो है यहाँ पे बनेगा, 8.4 8.6 वोल्ट का रेल जो है, ये मेन कॉइल 8.4 वोल्ट की रेल की है। उसके बाद में 5 और 3 वोल्ट जो है, 5 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट S4 और 5 वोल्ट S5 ये आपकी 5 वोल्ट की कॉइल है। यहाँ पे 3 वोल्ट की कॉइल है, ये 1.2 1.0 CPU की और ये 1.5 1.5 वोल्ट की। इस तरह ये जो कॉइल्स है सभी आप देखोगे ये सभी कॉइल्स पे आपके वोल्टेजेस इस तरह आएंगे ये बोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे रिसेट जो होता है SMC रिसेट का जो मेन थ्री रिसेट जो जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट IC दी गई है वो SMC रिसेट, इस IC थ्रू आपको SMC रिसेट आएगा। और बोर्ड के बैक साइड में 3 और 5 वोल्ट का IC है। बाद में बैक साइड में आप देखोगे तो ISL 6249 जो IC है बैटरी चार्ज करने की, वो भी वो सब बैक साइड में है। मेन जो बेसिक इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। और हमारा जो मैकबुक एयर एयर जो है अपना वो रिपेयर हो चुका है और यहाँ पे हम लोग अभी वीडियो अपना स्टॉप कर रहे हैं।